ये बताना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर मैंने एक किलो गोश्त ली हूँ, 3 से 4 चम्मच ऑयल गर्म हो जाएगा तो ये गोश्त को उसमें डाल देंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, मटन मसाला 2 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे ढककर 5 मिनट तक मीडियम गैस पे पका लेंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज इसे अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। 1 टुकड़ा सूखा खोबरा, इसे भी हम थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। 3 तेज पत्ते के टुकड़े डालेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट डालेंगे। प्याज और खोबरे का भी पेस्ट डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट तक इसे पका लेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह गोश्त भी गल चुका है अच्छे से और मसाला भी भुने गया है। इसमें पानी डाल के आपको जितना पतला रसा करना है वो आप कर सकते हैं। बारीक बारीक हरा धनिया कटिंग करके डाल देंगे। तो चलिए अभी गैस को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म भाकरी के साथ में सर्व करेंगे। तो ये रेडी हो चुका है माशाल्लाह।